सो गाइज 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 सबसे पहले तो आप मेरा बैकग्राउंड को देखो, कमेंट में जाओ और बताओ कैसा है। गाइज आप में से कई सारे लोगों को लग रहा होगा कि मैंने अपने बैकग्राउंड में कोई कलरफुल लाइट लगाया है, इसकी वजह से मेरा बैकग्राउंड कलरफुल हो गया है। तो अगर आपको भी ऐसा लग रहा है आप बिल्कुल ही गलत हो, क्योंकि दोस्तों मैंने अपने बैकग्राउंड को कलरफुल बनाने के लिए किसी भी लाइट का सहारा नहीं लिया। अगर किसी चीज का सहारा लिया है तो वो है एडिटिंग। जी हाँ दोस्तों, आपने कई सारे बड़े बड़े यूट्यूबरों को देखा होगा जिसकी बैकग्राउंड काफी ज्यादा कलरफुल होती है और उस टाइप की वीडियो देखने में बड़ा ही मजा आता है। दोस्तों वो अपने बैकग्राउंड में कलर वाला लाइट लगाते हैं जिसकी वजह से उसका बैकग्राउंड कलर हो जाता है, क्योंकि उसके पास पैसे इस वजह से लगाते हैं। तो उसका क्या जिसके पास पैसे नहीं है, तो हाल फिलहाल ही यूट्यूब में अपना चैनल बनाया है। तो गाइज अगर आप भी फेस कैम वीडियो बनाते हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आप इस वीडियो के माध्यम से अपने बैकग्राउंड को कलरफुल बना सकते हो और वेस्टिंग अ सिंगल रुपीस। जी हाँ, शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी एक चीज बता देता हूँ, इस टाइप की वीडियो आपको यूट्यूब में पहली बार देखने को मिल रही है। कोई विश्वास नहीं हो रहा तो सर्च भी कर सकते हो। तो यार इसके लिए तो एक दिल से सब्सक्राइब तो बनता है ना यार, को भी तो लाइक कर दो। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ इस वीडियो को। हाय दोस्त, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हो पीके टेक्निकल। तो चलिए शुरू। तो गाइज इस तरह की अमेजिंग वीडियो बनाने के लिए आपको दो ऐप की जरूरत पड़ेगी, पहला का नाम है काइन मास्टर और दूसरा का नाम है कपकट। जी हाँ, और इन दोनों का जो डाउनलोड लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो आप सिंपली से वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। ओके, डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, काइन मास्टर ऐप को ओपन करना होगा। ये रहा हमारा काइन मास्टर। ओके, ओपन करने के बाद देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है, तो आपको करना क्या होगा, क्रिएट न्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको 16:9 का जो रेशियो मिल रहा है आपको टिक लगा के नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे ढेर सारी वीडियो शो होने लगेगी, तो आपको अपनी वीडियो को यहाँ से चूज कर लेना है जिस वीडियो का बैकग्राउंड आप कलरफुल बनाना चाहते हैं। तो सपोज कि मेरा वीडियो ये रहा है, ये वाला वीडियो है मेरा और मैं इसी का बैकग्राउंड कलरफुल करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली उसको सेलेक्ट कर लिया हूँ। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, लेयर पे क्लिक करना होगा और इफेक्ट्स का जो ऑप्शन मिल रहा है सेकेंड नंबर पर आपको उस पर क्लिक कर देने को। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ढेर सारे इफेक्ट्स तो नहीं आ रहे होंगे आपके मोबाइल में, क्योंकि अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है। तो बस दोस्तों आपको करना क्या होगा, दो इफेक्ट्स की जरूरत है आपको। पहला इफेक्ट्स है ये रहा टोनल शिफ्ट और दूसरा इफेक्ट्स है इंटेंसिफर। दोनों इफेक्ट्स आपको चाहिए ही चाहिए। इन दोनों को डाउनलोड करने के लिए जो ऊपर दुकान का ऑप्शन मिल रहा है आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, आपको नेट ब्राउजर को ओपन रखना है। उसके बाद जो कलर का ऑप्शन मिल रहा है ब्लर के नीचे कलर, तो कलर पे आपको क्लिक करना है और आपको नीचे नीचे करना है और इंटेंसिफर जो यहाँ पे मिल रहा है इफेक्ट्स आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे शो होगा डाउनलोड का, तो आपको डाउनलोड पे क्लिक कर देना है, इंस्टॉल हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी है डाउनलोड है, इस वजह से इंस्टॉल्ड दिखा रहा है। तो आपको बैक करना है, इसे डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आप नीचे करोगे तो यहाँ टोनल शिफ्ट मिल रहा है, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है और इसे भी डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों आपको सबसे पहले टोनल शिफ्ट पे क्लिक करना है, इफेक्ट्स जो टोनल शिफ्ट का इफेक्ट्स है सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे टिक लगाना और ऊपर टिक लगा देना ऐसे करके। ओके, लगाने के बाद फिर से आपको ऊपर टिक लगाना है इस तरह का। उसके बाद जो हमें नीचे मिल रहा है टोनल शिफ्ट का इफेक्ट, सिंपली उस पर टिक लगा देना है। टिक लगाने के बाद इसकी जो लंबाई है उसे वीडियो के अनुसार बढ़ा देना है। बढ़ाने के बाद दोस्तों आपको करना है कैसे पूरी वीडियो में ऐसे करके लगा देना है। लगाने के बाद करना क्या है, आपको यहाँ पे सेटिंग का जो ऑप्शन मिल रहा है सेटिंग पे क्लिक करना है और इसको रखना है 45। ऊपर वाले को कितना रखना है 45, ध्यान रखना है कि आपको इतना ही रखना है, अदरवाइज अच्छा सा नहीं होगा। 45 रखना है, नीचे का 75 का 75 ऐसे रहने देना, ऊपर आपको टिक लगा देना। ये देखिए पहला काम हुआ। अब फिर से आपको करना क्या होगा, लेयर पे क्लिक करना होगा और फिर से आपको इफेक्ट्स पे क्लिक करना होगा और इस बार आपको नीचे करके आना और इंटेंसिफर का जो इफेक्ट्स मिल रहा है आपको इंटेंसिफर पे क्लिक कर देना है। फिर से आपको क्लिक करना, ऊपर भी टिक लगा देना है। अब करना क्या, इसकी भी लंबाई को वीडियो के अनुसार बढ़ा देना है। बढ़ाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप इधर भी लगा सकते हैं और इधर भी लगा सकते हैं, जिधर आप चाहते उधर लगा सकते हो। तो मैं अपनी वीडियो के अनुसार बना के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लगाऊंगा, ये साइड लगाऊंगा। ओके, उधर लगाने की जरूरत नहीं, पहले ये साइड लगाऊंगा। उसके बाद सेटिंग का जो ऑप्शन मिल रहा है मैं सेटिंग पे क्लिक करूंगा और जो क्या लिखा है सैन टू रीड, आपको सिंपली इस पे करना है क्या, यहाँ पे 20 रहेगा तो आपको सिंपली से घटा के एक लाना है। कितना लाना, एक लाना। ओके, याद रखना आपको लाना एक। एक लाने के बाद जो नीचे ऑप्शन मिल रहा है मैग्नेटा टू ग्रीन ऐसे करके, उससे करना है -6। ये रहा, अभी हम कर देते हैं इसको -6। ये -8 हो गया भाई, हो जा जल्दी।
-6 और जो नीचे मिल रहा है येलो टू ब्लू इसको रखना -15 माइनस में करना इसे ओके। तो मैं फटाक से इसे -15 कर रहा हूँ ओके। तो इससे भी देख लेना आप, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ओके। ऐसे करने के बाद आपको ऊपर टिक लगा देना। अभी आप देख सकते हैं बैकग्राउंड थोड़ा सा कलरफुल हुआ, उतना अच्छा नहीं हुआ। अभी मैं आगे की प्रक्रिया बताऊंगा, वीडियो लंबी होगी तो स्किप बिल्कुल भी मत करना, अदरवाइज सब कुछ मिस कर दोगे आप। ऐसे करने के बाद दोस्तों आपको करना है क्या होगा, फिर से आपको लेयर पे क्लिक करना है और इफेक्ट्स पे फिर से जाना है और आपको नीचे नीचे करना और बेसिक इफेक्ट्स पे आना है। अब आपको कि भाई इसे तो डाउनलोड करना सिखाया है नहीं, तो गाइस ये ऑलरेडी डाउनलोड रहता है, आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है ओके। तो आपको बेसिक इफेक्ट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो लिखा है गॉसियन ब्लर आपको उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ऊपर टिक लगाना और इसकी भी लंबाई को वीडियो के अनुसार बढ़ा देना है। ऐसे करके बढ़ाने के बाद इसे पूरी वीडियो में इसी तरह से लगा देना। लगाने के बाद ऊपर टिक लगाना है, ऐसे करके टिक लगा दिए। ये हमारा काइन मास्टर में काम हो गया। अब हम काम करेंगे दूसरे ऐप में। तो काइन इसे पहले एक्सपोर्ट करना होगा, तो एक्सपोर्ट करने के लिए ऊपर आपको टिक लगाना होगा और यहाँ पे रेशियो मिल रहा है तो आप जो चाहते हो उसको सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद सेव कर दीजिए। सेव हो रहा, हमारा एक्सपोर्टिंग ले रहा है। उसके बाद मैं आगे बताता हूँ कि आगे करना क्या है आपको। ये देखिए गाइज, हमारा जो वीडियो वो टोटल एक्सपोर्टिंग हो चुकी है। अब आपको करना क्या होगा, एक ऐप की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है कपकट। जी हाँ, इसका भी डाउनलोडिंग लिंक तो शुरुआत में बता ही दिया था, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद गाइज आपको एक VPN ऐप को भी डाउनलोड करना पड़ेगा, ये सुपर VPN। अगर आपको कनेक्ट नहीं करना आता है तो आई बटन में आपको लिंक मिल रहा है, कनेक्ट कर लीजिए। जब तक आप VPN कनेक्ट नहीं करोगे तब तक ये कपकट ऐप है वो वर्क नहीं करेगा ओके। तो सिंपली आपको कपकट ऐप को ओपन कर लेना है VPN को कनेक्ट करने के बाद। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है, तो आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और अभी का वीडियो लेना जो अभी आपने एक्सपोर्ट किया था। लेने के बाद आपको ऊपर टिक लगा देना है। टिक लगाने के बाद देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है, तो आपको ऐड नीचे कर देना है। ऐड करने के बाद ये देखिए हमारा वीडियो आ गया है। अब आपको करना क्या होगा, वीडियो पे क्लिक करना होगा और इसे नीचे ऐसे करके स्क्रॉल करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल होगा मैं फिल्टर्स का, फिल्टर्स पे क्लिक करना है। याद रहे गाइज, आपको नेट ब्राउजर ओपन रहना चाहिए और VPN कनेक्ट रहना चाहिए तभी ये वर्क करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। आई बटन में लिंक मिल रहा है तो आप देखो यार, इतनी सुविधा दे रहा हूँ मैं। तो देखिए फिल्टर्स में क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है, तो यहाँ पे आपको एक मिल रहा होगा शुरुआत में ही टर्न का, तो टर्न पे को क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद ये देखिए कलर कितनी अमेजिंग हो गया, तो सिंपली से घटा के 90 कर देना, ज़्यादा भी रखना नहीं है। 90 करने के बाद यहाँ पे टिक लगा देना। टिक लगाने के बाद देखिए किस तरह हो गया हमारा वीडियो। अब मैं करूँगा इसे अच्छी तरह से फुल एडिटिंग। इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा, बैक पे क्लिक करना होगा और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा होगा मैं ओवरले का, तो आपको ओवरले पे क्लिक करना होगा। फिर से एक ऑप्शन आ गया एड ओवरले का, तो आपको एड ओवरले पे क्लिक करना होगा। अब गाइज यहाँ पे आपको वो उस वीडियो को सेलेक्ट करना है जिस वीडियो को अपने काइन मास्टर में शुरुआत में लिया था ओके। एडिटिंग वाले के नहीं लेना है, एक्सपोर्ट जो किया था उसको नहीं लेना है, जो अपने स्टार्टिंग में सेलेक्ट किया था काइन मास्टर में ना उसी को लेना है। तो ये रहा हमारा वीडियो, ये देखिए इसी को सेलेक्ट किया था तो मैं इसी को ले लिया। लेने के बाद आपको ऊपर टिक लगाना और यहाँ पे ऐड का ऑप्शन मिल रहा है, हमें ऐड कर देना। ऐड करने के बाद गाइज पहले आपको इसे स्क्रीन में फिट करना होगा अच्छी तरीके से। ये देखिए स्क्रीन में फिट हो गया। फिट करने के बाद जब तक आप फिट नहीं करोगे तब तक आगे का काम मत करना यार, स्क्रीन में अच्छी तरह से फिट कर लेनी है। स्क्रीन में फिट करने के बाद आपको इसे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा होगा रिमूव बैकग्राउंड का, तो आपको रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक कर देना ओके। अब जैसे रिमूव बैकग्राउंड में क्लिक कर दोगे ये देखिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। जैसे आप रिमूव बैकग्राउंड में क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे लोडिंग लेगा 60 ऐसे करके 1 2 3 4 5 100 तक लेगा, तो आपको 100 होने तक वेट कर, तक 100 नहीं होगा तब तक आपको कुछ भी नहीं करना, अदरवाइज सारा कुछ कट जाएगा। तो यहाँ पे 100 खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको करना क्या होगा, आपको इसे स्क्रीन में अच्छी तरह से बिठा देना। बिठाने के बाद आपको करना क्या होगा, सिंपली से स्क्रोल करना है, स्क्रोल करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा मैं एडजस्ट का, तो एडजस्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा मैं सेचुरेशन का, सेचुरेशन में क्लिक करना है, इसे थोड़ा सा बढ़ा देना है। बढ़ाने के बाद फिर से आपको ऐसे करना है, स्क्रोल करना है और हाईलाइट का ऑप्शन मिल रहा है इसे भी थोड़ा सा बढ़ा देना है। बढ़ाने के बाद यहाँ से टिक लगा देना है। अभी आप देख सकते हैं वीडियो कितनी अमेजिंग तरीके से बन के तैयार हो गई यार। अब मैं इसको करूँगा क्या, एक्सपोर्ट करूँगा। तो एक्सपोर्ट करने के लिए मैं करना क्या होगा, सबसे पहले ऊपर जो ऑप्शन मिल रहा होगा ये वाला, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे रेजोल्यूशन आ गया तो हमें एक्सपोर्ट पे सिंपली क्लिक कर देना। अब ये एक्सपोर्टिंग लेगा, उसके बाद मैं आपको वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ यार कितनी अमेजिंग वीडियो बन के तैयार होगी। गाइज मैं जब तक हूँ आपको एक रुपये किसी भी चीज़ के लिए खर्चा नहीं करना होगा, मैं सिर्फ एडिटिंग ही आपको सिखाऊंगा और वीडियो रिलेटेड ही आपको बताऊंगा ओके। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो यार। अब देखिए एक्सपोर्टिंग हो गया, डन हो गया, अब वीडियो को आप एंजॉय कीजिए। उम्मीद
करते हैं जो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और बगल में आपको दो वीडियो और दिख रहे हैं तो आप किसी पे भी क्लिक करके वीडियो का ले सकते हो। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।